चलिए बताइए, आवाज आ रही है मेरी? सारे लोग बताएं। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, अब हम लोग पिछले क्लास में मोल की तीनों डिफिनेशन को हम लोग तो हम लोगों ने तीनों डिफिनेशन को एनालाइज किया और तीनों को की मदद से मोल निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। डिफिनेशन ऑफ मोल एज अ नंबर, एज अ मास और एज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम में तीन बातें आई वॉल्यूम की मदद से, वो ये है कि भाई गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर अगर गिवन हो तो हम मोल्स 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम दिया हुआ हो तो मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाई मोलर मास करेंगे। तीसरा था कि अगर गैस का वॉल्यूम विदाउट एसटीपी हो तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन, अब देखिए अब तक जितना पढ़ा है वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और एक कंसेप्ट सिखाया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। तो जब भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मॉलिक्यूल कहे तो आप मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल लें और उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दें। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए सारे लोग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.8 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी। ए ऑप्शन 25 मोल, बी ऑप्शन 2.5 मोल, सी ऑप्शन 125 मोल, डी ऑप्शन 12.5 मोल। हाँ हम माद ये बैच आज भी है, आप अगर आ जाए तो ठीक है। नहीं मैंने भी कुछ पढ़ाया नहीं है, बस कल वाला मैंने रिवीजन करवाया, कुछ पढ़ाया नहीं है, बस ये क्वेश्चन दिया है एमन, कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने, कल वाला लेक्चर को रिवाइज किया है बस, अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है। आप बस ये क्वेश्चन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। तो हमाद आज आप मेन बैच है ये, और जिसकी पहली दूसरी क्लास हो वो अपना ट्यूजडे थर्सडे और संडे को बैकअप लेते रहिएगा। अगर इसमें भी आना चाहे आप रहिएगा, उस बैच में आप आगे पढ़ते रहिएगा, इस बैच में भी रहें कोई बात नहीं। चलिए हाँ एमन जाकिर, हमने कुछ नई चीज अभी नहीं पढ़ाई है, क्वेश्चन दिया है। नहीं ये रेगुलर क्लास है मैथ्री, ये रेगुलर क्लास है, मंडे वेंसडे फ्राइडे को रेगुलर होता है, ट्यूसडे थर्सडे संडे हम बैकअप लेंगे, या जिसको दोबारा पढ़ना हो दोबारा पढ़ सकता है, इसमें आगे आगे चलेगा, अब इस बैच को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। मंडे वेंसडे फ्राइडे रेगुलर बैच है ये। ओके चलिए, उजैर भी, उजैर तुम लगातार रहोगे बीच में मत करना हस्पाल। चलिए किसी का आंसर नहीं आ रहा है, ये बहुत आसान है। चलिए मोल
अच्छा यहाँ पर मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी को 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे क्योंकि एसटीपी लिखा हुआ है। अब मैं एक रिलेशन लिखा देता हूं, याद रखिएगा गौर से सुनिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, इसी को हम 1000 cc लिखेंगे, इसी को हम 1 dl³ लिखेंगे और इसी को 10⁻³ m³ लिखेंगे। ये रिलेशन याद रखिए वॉल्यूम में, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, 1 cm³ 1 ml होता है और 1 लीटर 1 dl³ होता है। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मीटर क्यूब है, लीटर में कन्वर्ट कीजिए, 2.8 × 1000 बाई 22.4। तो डेसिमल तो सेम पोजीशन पर है, 224। मेरी मैथ अच्छी है, इसको सॉल्व करेंगे 125 मोल आएगा। तो ये मैंने, हाँ वेरी गुड, 125। ये रिलेशन सारे लोग जितने स्टूडेंट देख रहे हैं ये रिलेशन अब याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आसान है, बस कन्वर्जन में हो सकता है आपको परेशानी हुई हो। कंसेप्ट तो सबको क्लियर था, एक दफा बताइएगा एसटीपी वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। खसपाल, मैत्री, एमन, जाकिर, सबको समझ में आया ये वाला? हर्षित, वेरी गुड। ये रिलेशन लिख लीजिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड जानवी, माशाल्लाह बहुत बेहतर आप लोग भाई, बहुत अच्छे बच्चे लोग हैं, बहुत जल्दी समझते हैं आप लोग। और आप सबसे गुजारिश है एकदम टाइमली क्लास में आइए, 4:30 में एकदम आ जाइए। चलिए आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया ये रिलेशन, लिख लीजिएगा। एमन जाकिर, आपको समझ में आया कुछ बोलिए। हार्दिक, आप, हाँ अच्छा चलिए एक दफा रिलेशन समझा देते हैं। ओके 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 ओके, नहीं दिख रहा सर, चलिए मैं एक बार अच्छा अच्छे से लिख देता हूँ। अच्छा जो लोग नए बच्चे हैं वो सुन लें, ये बैच आगे है, खासकर हार्दिक, हार्दिक अगर आप आ गए हैं तो आप लगातार पढ़िए और कल जरूर आइएगा। जो लोग का छूट गया है वो ट्यूजडे थर्सडे में पढ़ें, आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखिए मैं रिलेशन लिख देता हूं दोबारा। मैंने ये लिखा था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, सोनम तुमको दिख रहा है 1000 cc या 1 dl³ या 10⁻³ m³, याद रखो। मतलब 1 cc का मतलब 1 cm³, इसको 1 ml भी कहते हैं और 1 m³ में 1000 लीटर होता है। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करो। सोनम तुमने कहा था नहीं दिख रहा, आप दिख रहा है तुम्हें? सोनम जल्दी बोलो। हाँ 2.8 था, एमन जाकिर क्वेश्चन में 2.8 m³ था, इसको आपने मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाइड किया, लीटर में कन्वर्ट किया, 22.4 से डिवाइड किया। तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल, सेम पोजीशन पर है तो कैंसिल कीजिएगा तो 125 आएगा। चलिए अच्छा अब एक बात सारे लोग समझें, अब तक जो पढ़ा हम लोगों, एक ही क्वेश्चन में हर्षित
बस यही एक क्वेश्चन हुआ है, कोई एक इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। कंक्लूजन, कंक्लूजन सारे लोग ध्यान दें। हाँ कंक्लूजन देखिए, एन एन जब मैं लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स है। और से सुनिए, तीन डिफिनेशन पर आया क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल आएगा, तो मैं एक साथ तीनों रिलेशन को लिखता हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एन यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है। एक फॉर्मूला पर आ, गीगल मास इन ग्राम बाई मोलर मास, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, दिस शुड बी इक्वल टू, और से सुने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये भी पढ़ा आपने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई अवोगैड्रोज नंबर, तीसरा आपने ये पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचपीपी डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, और से सुन, सारे लोग सुनिए, मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, प्लीज दो मिनट अच्छे से सुनिएगा। ये तीन फॉर्मूला आया, अब आपको क्या देगा, गौर से सुनिए, मोल देकर मास पूछेगा, तो मोल देकर मास पूछेगा, इसको इक्वेट कर लेंगे, नंबर दे देगा, नंबर देकर मास पूछेगा, तो नंबर इस वाले को इससे इक्वेट कर लेंगे, वॉल्यूम देकर मास पूछेगा तो इसको इससे इक्वेट कर लेंगे। यानी आपके माइंड में तीन फॉर्मूले होने चाहिए, मोल एज अ मास, मोल एज अ नंबर, मोल एज अ वॉल्यूम। इन तीनों में कोई एक भी इंफॉर्मेशन गिवेन हो, इन यहां से लेकर यहां तक, तो आपको कुछ भी निकाला जा सकता है, जिस पर अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे और कहे मास निकालो, तो इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, वॉल्यूम दे और मास कहे तो इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, पार्टिकल्स दे और वॉल्यूम पूछे तो इसको इससे इक्वेट कर दी। आपके माइंड में ये तीन फॉर्मूला एकदम दौड़ते रहना चाहिए जब भी आप मोल कंसेप्ट करेंगे। तो बताइए, मेरा मकसद सबको समझना है, जल्दी बोलिए। अब मैं क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट बिल्डअप करूंगा, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बार बार भाई ये तीनों फॉर्मूला आया। हाँ जब भी कोई, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आप लोग। हाँ तो मैं एक दफा रिपीट कर देता, मास देकर वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम देकर मास पूछे, घबराना नहीं है, आपसे एक एक होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे, कोई भी एक चीज दिया हो ये सारे को इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, आप इसको लिखिए, सारे लोग लिखिए, चलिए अच्छी बात है। एमन जाकिर, ये रिलेशन दिमाग में सबको रहना चाहिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया मास ऑफ फोर मोल ऑफ अमोनिया, ए ऑप्शन 70 ग्राम, बी ऑप्शन 68 ग्राम, सी ऑप्शन 52 ग्राम, 1 ग्राम, डी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन आपके पास है 6.8 ग्राम। जल्दी से आंसर दो। एमन, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, यही एक क्वेश्चन कराया था एमन, और ये दूसरा चीज पढ़ाया कुछ भी नहीं है, पहले आते ही मैंने एक क्वेश्चन दिया था 2.8 वाला, और ये मैंने बस पढ़ाया है, बस बाकी एमन कुछ भी नहीं पढ़ाया है। आप घबराइए मत, आप लगातार बैठिए, आपको आ जाएगा। अच्छा वो आमना है, अच्छा अच्छा मैं देखा नहीं, सॉरी फॉर डैट, आमना पूछी थी, ओ माय गॉड, इतना तेजी से मैसेज आता है ना। हाँ आमना अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, यही पढ़ाया, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, 3:30 में और 4:30 में एकदम टाइमली आइए, क्योंकि अभी रमजान की वजह से 1 घंटा है ना, इसलिए थोड़ी सी टाइम की एकदम इम्पोर्टेंस है,
चलिए आंसर, हाँ बी आंसर सबका सही है, वेरी गुड। खस्ताल, खस्ताल आपका आंसर आया, खस्ताल, हसपाल सिंह आपका आंसर आया। दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए मास ऑफ 4 मोल ऑफ अमोनिया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो मोल को मास है तो मोल देकर मास पूछा, तो मोल को इस वाले फॉर्मूले से हम इक्वेट कर देंगे। 4 मोल मास मालूम नहीं, मास इन ग्राम, मोलर मास अमोनिया का कितना हो जाएगा 17, तो याद रखिए तो मास ऑफ अमोनिया हो गया आपको 68 ग्राम। तो जब तक आपके माइंड में ये तीनों फॉर्मूला दौड़ता रहेगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा, घबराना नहीं, मैं इस पर प्रैक्टिस खूब कराऊंगा। एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है, सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मुझे उम्मीद है कि किसी को डाउट नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत बेहतर बहुत बेहतर, बहुत तेज है आप लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है भाई, इतना अच्छे लोग है ना आप लोग, मैं क्या बताऊं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। चलिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको बना के देखाइए। चलिए ये रिलेशन को माइंड में रखिएगा ना, तो एक दूसरे का रिलेशन से मास देकर वॉल्यूम, वॉल्यूम देकर मास, तब आपको आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, मास ऑफ 20 मोल, देखिए 20 मोल ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला O3 इन, याद रखिए इन केजी, इन केजी, ए ऑप्शन 960 केजी, बी ऑप्शन 9.6 केजी, सी ऑप्शन समझा कि नहीं 96 केजी, डी ऑप्शन 0.960 केजी। मुझे उम्मीद है कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर से देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, आमना अब्बास अच्छे से समझिए, हाँ धानवी का भी आंसर आ गया, बहुत बेहतर बहुत बेहतर, हमको लगता है सब टॉपर स्टूडेंट हैं। हार्दिक आप घबराइएगा नहीं, आप कल आइएगा आपको और अच्छे से आएगा। हम्माद जी घबराना नहीं है, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, घबराना नहीं है, आप इस बैच में भी आते रहिए, उस बैच में भी आते रहिए, सब कुछ होता रहेगा। वाह हेमंत का भी आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर। गिव द करेक्ट आंसर, मानस जोशी, मानस विंशा, हाँ जिसको मोल दोबारा पढ़ना है तो कल है, कल 4:30 बजे मोल स्टार्ट होगा, मोल मोल की तीनों डिफिनेशन कल होगा, जिसको दोबारा पढ़ना हो PhD करना हो आ सकते हैं। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो कितने मोल है 20 मोल है, ठीक है भाई, मास मालूम नहीं है, ओजोन का मोलर मास 48, तो W ग्राम इज इक्वल टू 960 ग्राम, हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 960 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.96 केजी, वही डी ऑप्शन आएगा। बताइए सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक दफा ये तो बता दीजिए क्रिस्टल क्लियर या डायमंड क्लियर हो रहा है कि नहीं। नो नो हर्ष, सही तो है भाई, 22 2 8 16 4, नहीं नहीं सही तो है मेरा, सही तो है, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है। अब हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे से बनाइएगा, मुझे उम्मीद है
आप लोग एक एक क्वेश्चंस को करके दिखाइएगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन लिखिएगा और गलती नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी बहुत कम है। थ्योरी आएगा, वो भी आएगा। देखिए मास ऑफ 1.5 10 to the power 26 molecules of SO2 और इन केजी में है, इन केजी। ए ऑप्शन 4 केजी, बी ऑप्शन 16 केजी, सी ऑप्शन 8 केजी, डी ऑप्शन 12 केजी। सारे लोग बनाइए। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जल्दी बनाइए, तो बहुत बेहतर। जल्दी बनाइए। एमन जाकिर, बस रमजान भर थोड़ा सा सब्र कर लीजिए रमजान में, और आपका अगर जो 10 मिनट छूट जाता है ना, तो ट्यूजडे थर्सडे को भी कर लिया कीजिए। समझ गई एमन? रमजान के बाद सब टाइमिंग चेंज हो जाएगी। हाँ, तो रमजान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टाइम की कमी है, और आपका कुछ छूट जाए ना, तो आप शुरू के चैप्टर को 2-3 दफा पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल हाई हो जाएगा, तो आगे फिर परेशानी नहीं होगी। तो आप इस बैच में भी आइए, ट्यूजडे थर्सडे में भी 4:30 बजे एमन आती रहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रमजान का शेड्यूल है। चलिए, बहुत बेहतर। हाँ, सबका आंसर सही आ रहा है, माशाल्लाह, बहुत बेहतर। हमको लग रहा है कि सारे बच्चे नीट जी निकालेंगे, इंशाल्लाह। यहाँ देखें, अब देखिए। हाँ, वेरी गुड गौरव साहब, यू, हाँ, युवराज कभी कुंद्रा, वेरी गुड आमना कभी, वेरी गुड, बहुत बेहतर। अब सुनिए, आपको इतना मॉलिक्यूल देकर मास दिया, तो झट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। मास भाई नंबर ऑफ मोल्स का 2 फॉर्मूला है, गिवन मास बाई मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो मैंने अभी सिखाया। ये कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा ना, तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब इस दोनों को इक्वेट कर दें, तो गिवन मास आपको निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड का मास 64 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको 1.5 10 to the power 26 है, ये 6.022 है, 23 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो W ग्राम जो है, समझा कि नहीं, W ग्राम कितना आएगा आपको, W ग्राम जो आएगा वो 16 × 10 to the power 3 आ जाएगा। तो W = 1.564 × 10 to the power 3, और इसको लगभग आप 6.02 इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो मैं देखता हूँ कैलकुलेट करके, तो आपको आ जाएगा 1.5 × 64 और डिवाइडेड बाई 6, वही है लगभग 16 ही। वेरी गुड, आप 16 ही आपको लेना है। हाँ, वेरी गुड, समझ गया, 16 × 10 to the power 3 ग्राम, जिसको 16 kg कह दीजिए। तो देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कि आपको कभी झंझट भी नहीं रहेगा। मेन होता कंसेप्ट मैट्री मानस जोशी, सबको समझ में आ रहा है ना आपको? तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ 3.011 × 10⁻²⁰ एटम्स ऑफ हीलियम। चलिए आप पहले बनाइए, मैं ऑप्शन देता हूं, आप पहले बनाइए, आप बना के रखिए, मैं ऑप्शन देता हूं, बाद में सही कर लीजिएगा। जीरो पॉइंट टू ग्राम बी, 2 ग्राम सी, 0.02 ग्राम डी, 0.3 ग्राम, ये आपके पास आंसर है। फटाफट आंसर दीजिए, सब लोग आंसर दीजिए। हाँ वाह वाह मैत्री वाह, बहुत बेहतर बहुत बेहतर मैत्री, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलिए सबका आंसर आ ही गया होगा, वेरी गुड। अगेन आप इसको उसी तरह इक्वेट कीजिए, समझा कि नहीं जी। आप इसको इक्वेट कीजिएगा भाई, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रोस नंबर, इससे आंसर आएगा। उधर तुमको समझ में आ रहा है, उधर बाबू आ रहा है, समझ में जल्दी बोलो। W ग्राम हीलियम का मोलर मास 4। हाँ यहाँ एटम है ना, हीलियम तो अकेला ही है। हाँ तो हीलियम अकेला है तो एटमिक मास होगा ना, अकेला ही है ना। 22 6.022 × 10⁻², 2 से कैंसिल, ये ऊपर जला गया तो कितना हो जाएगा ये 0. ये कितना हो जाएगा भाई, अच्छा 1/20 रख देते हैं, चलिए 1/20, तो डबल 4/, हाँ तो W इज इक्वल टू 1/5 0.2 ग्राम। बताइए सबको समझ में आया, जल्दी बोलिए, सबको समझ में आ रहा है ना भाई। अरे उधर तुम बताओ, उधर आ रहा भाई, उजार मियां, हाँ उजार साहब को आना चाहिए भाई, बहुत शुक्रिया किया, बस वेरी गुड वेरी गुड उजार, ओके इतना, हाँ ओके दिव्यांशी सब कुछ। अच्छा सोनम तुम बताओ, सोनम तुमको क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ सोनम, सोनम बताओ कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बताऊंगा, जल्दी बताओ सोनम, कौन क्या नहीं समझ में आया जल्दी बोलो। हाँ ये वाला नहीं समझ में आया, अरे यार मैंने तो अभी लिखा था ना नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का सोनम सुनो, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगैड्रो नंबर, आप दोनों को इक्वेट कर दो बस। एक बात याद रखो, मोल का 3 फार्मूला, नंबर देकर मास पूछा है तो दोनों के फार्मूले को इक्वेट करो, सिंपल है, मैंने तो अभी लिखा था, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है, तुम दोबारा पढ़ो, कल भी आना दोबारा तुम 4:30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी। अब मास से वॉल्यूम निकालने को कहा है तो मास को वॉल्यूम से रिलेट कर देंगे, 22.4 लीटर
11.2 लीटर, 5.6 लीटर, समझा कि नहीं, एंड आपके पास 2.8 लीटर। चलिए सब लोग आंसर दीजिए, बताइए सबका फटाफट आंसर आ रहा है। इतने अच्छे से समझाने के बावजूद सोनम तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है। अब सोनम इस क्वेश्चन को समझो ध्यान देकर, मैं बताने जा रहा हूं। पहले तो कंसेप्ट एसटीपी पर वॉल्यूम पूछ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बी ऑप्शन इज सही। हाँ वेरी गुड युवराज कुंद्रा, गुड गुड वेरी गुड। अब देखें इसमें क्या करना है। तो भाई आपको मालूम है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सोनम दोर्जे सुनो अच्छे से, नंबर ऑफ मोल्स का ये भी फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट ए सीटी डिवाइडेड बाय 22.4 दो था। तो अब आप क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो। डब्ल्यू बाई एम शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट ए सीटी डिवाइडेड बाय 22.4, 2/4 वॉल्यूम मालूम नहीं 22.4। बस दिस इज आसान, वेरी आसान, बेस इक्वल टू 11.2 लीटर। मोल को इतना समझा दिया अच्छे से, तो बस उसी से तो इक्वेट करके निकालना है। मास देकर वॉल्यूम, वॉल्यूम देकर मास, नंबर देकर मास, मास देकर नंबर। चलिए ये वाला पार्ट खत्म। अब सुनिए, अब मैं कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें। अब हम मोल की मदद से क्या क्या चीज निकालेंगे, ये तो हो गया, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग न्यूमेरिकल को केस वाइज पढ़ेंगे। अब जो हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे कैलकुलेशन ऑफ, कि आपका ध्यान रहे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अब जितने क्वेश्चन होंगे इसी पर ये टॉपिक डाल लेना है। एक एग्जांपल मैं खुद समझाऊंगा, सारे लोग ध्यान दें। एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट होंगे, शुरू में मैं सब्जेक्टिव दूंगा, कोई ऑप्शन नहीं। तीन चार क्वेश्चन के बाद मैं ऑप्शन देना शुरू करूंगा। आपको कहेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए पार्ट, थर्टी फोर पॉइंट टू ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। बी 90 ml ऑफ वाटर। सी ये हर में अलग अलग करके निकालना है, और एक आपको दे देगा 5.6 लीटर। उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। पहले सारे लोग क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, अभी आंसर मत कीजिएगा, मैं आपको नहीं पूछता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखिए, भले आपको आता हो लेकिन पहले पहले टॉपिक डाल लीजिए। अब जितना क्वेश्चन होगा वो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के कैलकुलेशन पर, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके बाद आयंस वगैरह पढ़ेंगे। पहले सारे लोग यहाँ तक बनाइए, लिखिए, मैं खुद बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, खासकर सोनम दोर्जे सारे लोग समझें, सबको समझ में आएगा, ध्यान दें। चलिए अब ध्यान दीजिए सारे लोग, क्वेश्चन लिख लिया सारे लोग। तो देखिए पहला ये है, सारे लोग ध्यान दें, एक दफा अच्छे से समझ लीजिए। 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज में कितने
नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। जैसे अगर आपके पास वन मोल ऑफ अमोनिया है, प्लीज सारे लोग ध्यान दें, वन मोल ऑफ अमोनिया है। अब इसमें अगर आपको कहता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तो आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वन मोल है तो वन इंटू अवोगाड्रो। पहले बेसिक चीज समझिए, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। अगर हमें कहता नंबर ऑफ एटम्स निकालो, सारे लोग ध्यान दें, तो एक मोल में भी कितने एटम होते हैं, अवोगाड्रो नंबर। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, एक मोल वन मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक गलती ये भी होती है, याद रखिए। अब बताइए, सारे लोग बताइए, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हो, मैसेज करके बताइए, अमोनिया में कितने एटम है, जल्दी बोलिए। तो अमोनिया में कितने एटम है, अमोनिया में टोटल एटम्स कितने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने एटम्स है, फोर। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप फोर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिए मॉलिक्यूल्स और एटम में फर्क समझ लें। हाँ, जब भी मोल है तो अवोगाड्रो नंबर तो होगा ही, इसको कहते हैं, याद रखिए नंबर ऑफ एटम्स जब भी कहे तो आपका काम होगा नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, ये याद रखिएगा फंडा। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में चार एटम्स है, इसलिए फोर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब सुनिए अच्छे से, अगर हमें कहता नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स निकालो, और से सुनिए, तो देखिए क्या करेंगे, वन वन मोल है इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी, नाइट्रोजन कितना है, वन, तो वन से कर। अब मैं फिर डाउट पूछूंगा, घबराइएगा नहीं। पहले पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए यहां तक आया, सच बोले यहां तक आया कि नहीं आया। वेरी गुड वेरी गुड। सोनम सोनम तुम बताओ प्लीज, यहां तक सबको आया कि नहीं, फिर हम आज इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। हाँ एमन बैठे, बोलिए क्या डाउट है, बोलिए। सोनम प्लीज घबराना मत, तुम दो दफा पढ़ोगे आ जाएगा, घबराना मत, हिम्मत रखना। सोनम तुमको इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा एमन, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। मैं रिपीट कर देता हूं, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। यहां पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, अवोगाड्रो नंबर वन। अच्छा तो मैं एक पूरा पढ़ा देता हूं, देख लीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वन इंटू अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स कहा तो वन इंटू अवोगाड्रो नंबर, और अमोनिया की एटॉमिसिटी तीन और एक चार। अब आइए, अगर नाइट्रोजन एटम पूछता तो वन इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू वन, नाइट्रोजन वन है। बताइए एमन क्या पूछ रही थी, एमन आप पूछे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अच्छा ओके चलिए, ओके 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 वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े, बोलिए सारे लोग।
सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बोलिए। हाँ, इसमें एक चीज और छूट गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कहता। हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो वन मोल है इंटू अवोगैड्रोज नंबर। एग्जाम में पूरा कैलकुलेट करके लिखिएगा, वन इंटू अवोगैड्रोज नंबर, एटोमिसिटी कितनी है तीन, तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी तीन। क्लियर है? तो ये आपको आंसर आएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकला, सबको समझ में आया? वन, एक मोल में अवोगैड्रोज नंबर, अवोगैड्रोज नंबर से मैंने कितना किया, एटोमिसिटी कितनी है तीन। बोलिए, आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए। चलिए अब आइए, हाँ मेन क्वेश्चन पर आइए। आप देखिए, ये एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने आपको, इसलिए दिया कि नंबर, अब सारे लोग सुने, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पहला कंसेप्ट ये है कि आपको मोल मालूम होना चाहिए। मोल अगर मोल गिवन नहीं है तो मोल निकालिए। अब आइए एग्जाम्पल पर, 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अब यहां पर मोल नहीं गिवन है, अब यहां पर मोल जब गिवन नहीं है तो पहला काम मोल्स निकालें। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम। पहले एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, वेरी गुड, गिवन बाय मोलर मास। भले आपको आता हो, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद तो सारा क्वेश्चन आप ही करेंगे। 34.2 और इसका मोलर मास जब निकालेंगे ना, P12S22O11, तो इसका 342 आएगा, तो ये 0.1 मोल हो गया। देखिए, मोल अगर आ गया, वेरी गुड, बात सुनिए, मोल जब आ गया तो समझिए कि एटम मॉलिक्यूल्स निकालना आसान हो गया। पहला, पहले तो कंसेप्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो भाई एक डजन में 12 केले होते हैं, तो 2 डजन में कितने होंगे भाई? हम यहाँ पर है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अवोगैड्रो? तो 0.1 मोल में इंटू अवोगैड्रो नंबर। अपना इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं यहां पर तरीका सिखा रहा हूं। अब आइए, हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो मोल पहले मालूम होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करके समझा रहा हूं, मोल मालूम है, जब मोल रहेगा तो अवोगैड्रो नंबर से तो मल्टीप्लाइड होगा ही, क्योंकि एटम्स कहा है तो मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, तो 12, 22 और 11, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सुक्रोज की एटोमिसिटी जो है वो 45। हाँ, अगर ये हुआ, बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। हाँ, सही है, सही है, क्लियर हो रहा है ना सबको? सब तक बताइए, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हाँ, ओके ओके, प्लेटिनम क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेहतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आप लोग दूसरे क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन था 90 ml ऑफ वाटर। सोनम, तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुम
तुम मोल संस्कृत को तीन चार दफा पढ़े हो फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा, मोल निकालने नहीं आ रहा है। एक मोल में कितने एटम होते हैं ये तुम्हें नहीं मालूम है। टीचर दस दफा बोल बोल के समझा रहा है जबकि तुम मोल को दो तीन दफा पढ़ चुके हो। यहाँ टीचर बोल बोल के मेरा सुबह दर्द हो गया। एक मोल में कितने वाले कुल अवोगैड्रोज नंबर, तो दो मोल में कितने होंगे, तो टू इंटू अवोगैड्रोज नंबर, तुम्हें ये नहीं आ रहा सोना, जबकि तुम मोल को दो तीन दफा पढ़ चुके हो। अच्छा सारे लोग पहले इसमें बताओ नंबर ऑफ मोल कितना आया। सोनम इसका मोल निकाल के देखा, ये पढ़ चुके हो तुम। सारे लोग इसका मोल निकाल के देखा, मोल कितना आया। पढ़ोगे नहीं घर पर, सरजी सरजी करते रहते हो तुम। हाँ तो फिर मोल निकाल के देखाओ तो मोल क्यों नहीं निकालने आ रहा है। कोई नई बात नहीं पढ़ाई जा रही है, जल्दी मोल निकालो। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी अलग से मैं सर से बात करके तुम्हारी एक अलग से क्लास लेता हूँ मैं, रुक जाओ। पहला काम इसका मोल, मोल कितना हुआ ये देखाओ। अब सबसे पहले सोनम ये पढ़ चुके हो ना तीन दफा, इसका मोल निकाल के दिखाओ। सारे लोग मोल निकाल के दिखाएं। सिंपल चीज सब है, आदमी दस दस दफा बोल बोल। हाँ सोनम तुम आंसर दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब ये तुम पढ़ नहीं चुके हो, टीचर कितना पढ़ाएगा। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास, वेरी गुड। वॉल्यूम 90 mm × 1। अब तुम सोनम बोलोगे कि सर ये वाला नहीं समझ में आया। अरे ये तो पढ़ाया जा चुका है। 5 mole तुम्हारी मैं अलग से कुछ क्लास लूंगा, मुझे तब पता चलेगा तो मैं तुम्हें उसी तरह से। हाँ चलिए 5 mole हुआ। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अवोगैड्रोज नंबर, तो 5 moles में कितने होंगे, 5 × अवोगैड्रोज नंबर। सिंपल है भाई, और मैं तो एक एक एग्जांपल नहीं बहुत कराता हूं। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 5 × अवोगैड्रोज नंबर इंटू एटोमिसिटी, 2 × 1 नंबर ऑफ एटम, 5 × सबका सही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, 15 Na, वेरी गुड। सब अपना रिलेट कर लीजिए, वेरी गुड। कोई नई चीज पढ़ाई नहीं जा रही है, मोल सीख चुके हैं, दोबारा सीख रहा है मोल निकालना। ये आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है कि अगर आप भूल गए हैं तो आपको अच्छे से आ जाए। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या था बताइएगा। 5.6 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। चलिए पहला काम मोल्स निकालिए, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर नंबर ऑफ एटम। जल्दी जल्दी कीजिए, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स। ओके ओके, खस्ताल खस्ताल सब था, वेरी गुड वेरी गुड। ये सब तो पढ़ाया जा चुका है, ये तो प्रैक्टिस हो रही है। अब इसके बारे में कोई कह हमको नहीं आ रहा है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं तो अफसोसनाक बात है भाई, मैं क्या कर सकता हूं। 0.25 mole, वेरी गुड। अब चलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, तो आप अवोगैड्रोज नंबर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 0.25 × अवोगैड्रोज नंबर। इसी तरह एग्जाम में आप पूरा कैलकुलेट करके लिखिएगा, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। नंबर ऑफ एटम्स निकालिए,
हाँ बहुत बेहतर बहुत बेहतर, ठीक, वेरी गुड, बहुत बेहतर। चलिए अब मैं, अब यहां तक सबको, अब चलिए आगे बढ़ने से पहले, यहां तक सबको समझ में आया, अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दूंगा, यहां तक क्लियर है, उसके बाद फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन दूंगा। पहले बेसिक क्वेश्चन दिया, उसके बाद मैं मिसलेनियस दूंगा, पहले मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। कोई किसी को दिक्कत है सोनम के अलावा? वेरी गुड, बहुत बेहतर बहुत बेहतर, माशाल्लाह, ठीक। चलिए 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 चलिए, अब एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तब फिर मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ए पार्ट 54 मोल ऑफ हीलियम, इसमें निकाल के दिखाइए, इसी में आंसर दीजिएगा। बी 52 ग्राम ऑफ हीलियम और सी 52 U ऑफ हीलियम, तीनों में हीलियम का नंबर ऑफ एटम, पहले का आंसर जल्दी दीजिए। अब हेटेरोज नंबर को Na लिखिएगा, एमल बाकी, रामनाथ बाग, सब लोग हसी, सब लोग आंसर दें, पहले पार्ट का आंसर दें। नंबर ऑफ एटम्स इन 50, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वाह नहीं, ये अल्लाह, गौरव गलत हो गया, गौरव, अरे गौरव सही है सही है, पहले का आंसर, हाँ वेरी गुड गौरव। नंबर ऑफ एटम्स 52 इंटू अवोगैड्रो नंबर, बट हीलियम अकेला है, मल्टीप्लाई एटोमिसिटी 1 है, कुछ से मल्टीप्लाइड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबको समझ में आया ए वाला पार्ट, हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए भाई बहुत बेहतर, चलिए दूसरे में बनाइए तो सारे लोग, वाह खसपाल वाह, वेरी गुड, एमन बाकी का, हाँ वाह, युवराज कुंद्रा बहुत बेहतर, मानस जोशी वेरी गुड, दिव्यांशु भी वेरी गुड, एमन भी वेरी गुड, एमन फिर से आंसर दें, एमन एमन फिर से आंसर दें, मानस विन शाह, हाँ वेरी गुड, बहुत बेहतर जिसको मोल मोल दोबारा करना हो, कल 4:30 बजे क्लास है, मोल, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, गिवन मास बाई मोलर मास 13 मोल, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 13 इंटू अवोगैड्रो नंबर, सबका आंसर यही था। अब सी वाला पार्ट वही करेगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, सी वाले पार्ट में दो का आंसर आ चुका है, वाह वेरी गुड, सी ने 52 U ऑफ हीलियम, देखिए एनसीईआरटी का कितना क्वेश्चन, इसलिए एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसके एक एक क्वेश्चन पर, हाँ वाह आमना अब्बास वाह, सबका आंसर सही आ रहा है, अरे 13 U क्यों लिखा, किसी ने 13 U लिखा है भाई, अरे उधर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, उधर भाई आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उधर भाई कुछ समझ में आ रहा है, उधर भाई ठीक, वेरी गुड ओजर, बहुत बेहतर, तुम बहुत अच्छा लिखते हो यार, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब आइए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मेरा काम है समझाना, मेथड फर्स्ट जो कि सबसे आसान है, मैं इसलिए तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिया था, के 4 U और 4 ग्राम, 4 U भी हीलियम का मास है और 4 ग्राम भी हीलियम का मास है, फर्क है ये 1 एटम का मास है और ये 1 मोल का मास है, ये सब पढ़ चुके हैं,
तो जब यहाँ पर यू है, हाँ एक बार घर से देखते हैं, गौर से सुन, 4U हीलियम के दो मास, 4U का मतलब 1 एटम, 4 ग्राम का मतलब 1 मोल। एक दफा मैसेज लिखकर बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, सही लिखा है ना मैंने, एक दफा मुझे बताइए आप लोग, ये सही लिखा है ना? हाँ कोहिनूर को, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। तो देखो चूंकि, हाँ सुनिए, 4U ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम, तो 1U ऑफ हीलियम में 1/4 एटम, एमल बाकी देखिएगा, 52U ऑफ हीलियम में 1/4 × 52, ओनली 13 एटम, दिस इज द आंसर। मैं इसलिए 2 मिनट से समझाऊंगा, कोई कहेगा सर नहीं हम मोल से निकालेंगे, तो मोल से भी आंसर यही आएगा। ये सबको समझ में आ गया, ये पहले लिख लीजिए सारे लोग। अब हम मेथड सिकन सिखाते हैं, मेथड सिकन, मेथड सिकन नॉलेज सब रखना चाहिए जो आपको आसान लगे। वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए मेथड सिकन पर, अब मेथड सिकन पे ही आइए। कोई कहेगा नहीं सर हम मोल से निकालें, कोई बात नहीं है, आप मास ऑफ हीलियम जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 52U को लिख सकते हैं ना 1/NA ग्राम। सारे लोग बताइए सही लिखा ना, यू को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूं, बताइए पहला स्टेप सबको समझ में आया, ये आ गया तो सब आ गया, माशाल्लाह वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। तो जो जिसको जिद है कि नहीं सर हम मोल कंसेप्ट से निकालेंगे, तो सबसे आंसर आएगा। अब आइए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास 4 13/NA, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? तो भाई नंबर ऑफ एटम मोल्स को अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई, यही देखिए बटवा बराबर हुआ कि नहीं, दिस इज द आंसर। लेकिन मेथड सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन कंसेप्ट दोनों कि सर हम मोल से निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो मोल से निकालने पर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। बोलिए ये वाला मेथड सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो सारा मेथड लिख लीजिए कि आपको काम दे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतर। चलिए आज इतना ही, कल मुलाकात होगी, कल रेगुलर क्लास नहीं है, कल बैकअप है, जिसको दोबारा करना है तो आ सकते हैं। ओके बाय बाय टाटा, थैंक यू वेरी मच। अरे 5:30 होगा मेरी दूसरी क्लास है ना, मेरी क्लास में मजा बहुत आएगा, आपको घबराइए मत, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत जल्दी 2 घंटा की क्लास में 1 ही घंटा पता चलेगा, हाँ पता नहीं चला, माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड वेरी गुड। ओके बाय बाय टाटा।